फ्लाइट में युवती को दिखाया प्राइवेट पार्ट, पुलिस FIR दर्ज। बेंगलुरु से मुंबई जाने वाली 2 घंटे की फ्लाइट में एक आदमी ने अपनी सहयात्री के साथ छेड़छाड़ की। यह घटना मंगलवार सुबह की है, जब नवी मुंबई में रहने वाली एक महिला के साथ फ्लाइट में अभद्रता हुई। आरोपी तमिलनाडु का रहने वाला एक बिजनेसमैन सुबिनहमसा है और पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। महिला ने अपनी शिकायत में कहा है कि इंडिगो फ्लाइट 6482 मुंबई में सुबह 8:10 बजे लैंड हुई। पहले हमसा ने उसे पकड़ने की कोशिश की और फिर खाने की ट्रे उसके ऊपर गिरा दी। एक एयरपोर्ट पुलिस ऑफिसर ने कहा, जब महिला सो रही थी तब हमसा ने उसे टच किया था। उसने इस अवांछित स्पर्श को नजरअंदाज किया और अपनी बैठने की पोजीशन बदल ली। हमसा रुका नहीं, वह महिला को लगातार टच करने लगा। बाद में वह महिला को अपना प्राइवेट पार्ट दिखाने लगा। महिला ने क्रू मेंबर्स को सूचित किया और उन्होंने उसकी सीट चेंज करवा दी। इसके बाद फ्लाइट ऑफिसर्स ने एयरपोर्ट अधिकारियों को घटना की जानकारी दी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने हमसा को हिरासत में ले लिया। हम्स को एयरपोर्ट पुलिस के हवाले कर दिया गया। आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत महिला के साथ छेड़छाड़ का आरोप दर्ज किया गया। हम्सा को न्यायिक हिरासत में रखा गया है। उसने जमानत के लिए याचिका दायर की, लेकिन कोर्ट ने याचिका पर गौर करने से पहले पुलिस से जवाब मांगा है। ठीक ऐसा ही एक मामला 19 जून को भी सामने आया था, जब दिल्ली मुंबई फ्लाइट में एक महिला के सहयात्री ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है और आप इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए दोस्तों, ताकि ये जानकारी और आगे तक पहुंच सके। धन्यवाद। फ्लाइट में युवती